हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करना पड़े। मैं राजम आ चुके एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ जो है वो कर रहे हैं। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने इसके पहले पार्ट्स करके रखे हैं। हम लोगों ने इसका थोड़ा सा पहले किया था एक वीडियो में, तो अभी हम उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने वो वाले वीडियो में सिक्स्थ क्वेश्चन तो किया था, तो अभी सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ यहाँ तक करेंगे और उसके आगे के सम्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स निकाल के रखे हैं, ये जो सैम्पल टेक्स्ट लिखा है उसे इग्नोर करना। हमारा जो नंबर है वो इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, वो बस मैंने निकाल के रखे, तो वो वहाँ पे लिख के आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर आ जाएगा अभी इसके अंदर। तो ये हो चुका है हमारा नंबर और हम ढूंढेंगे इसका आंसर। तो पहले आप ये इसका आंसर निकालो, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर ढूंढ सकते हो। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर ढूंढिए। तो अभी आंसर है हमारा, इसका आंसर है दोस्तों ये 85,272। अगर आपका ये आंसर आया तो बहुत सही, अगर नहीं आया तो आप फिर से ट्राई कीजिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। मेथड्स बराबर दीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में बराबर मेथड्स आपने किए हैं कि नहीं। तो फिर आ जाते हैं हम हमारे एथ क्वेश्चन के ऊपर। एथ क्वेश्चन भी इजी है, तो बस वो क्या है दोस्तों, एथ क्वेश्चन में फोर डिजिट मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट है। ठीक है, तो पहले अब तक थ्री डिजिट मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिजिट, टू डिजिट मल्टीप्लाइड बाई टू डिजिट, वन डिजिट मल्टीप्लाइड बाय वन डिजिट, मतलब तो टेबल से हो गया। तो ये सारे हो रहे थे, पर अभी ये होगा। तो अभी पहले सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप इसका आंसर ढूंढें, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 5,16,897 है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में अभी फोर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिजिट है, जो फिफ्थ क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इसे पहले हाईलाइट किया मैंने, तो अभी ये जो क्वेश्चन है मैं इसे यहाँ पे ला देता हूँ। पहले ये मैं सैम्पल टेक्स्ट हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे ला दिया मैंने। और अभी इसका पहले आप आंसर ढूंढो खुद के मेथड से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि बराबर है। दोस्तों अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 19,18,592, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो ये आंसर हमें मिल चुका है, मैं इसके लिए ब्रैकेट्स डाल कॉमास डाल देता हूँ कि आप आसानी से पढ़ पाऊँ। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है टेंथ क्वेश्चन। तो अभी आप देखें तो हमने कौन से कहाँ क्वेश्चन किया है, ये है सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। अभी हम यहाँ पे टेंथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारा ट्वेंथ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, इसे हाईलाइट कर लिया मैंने। देख लो क्वेश्चन, आपका टेक्स्ट बुक आप लेके बैठ सकते हो, क्वेश्चन देख लो। फोर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिजिट, ये मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है। अब इस नंबर का आंसर आप पहले खुद ढूंढो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। अभी आप वीडियो पॉज कर लो दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है, मैं पहले इसको ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ आपके लिए, फिर आंसर पढ़ के दिखाता हूँ। इसका आंसर है 32,72,361। तो अभी ये आ जाता है सैम्पल टेक्स, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे इलेवेंथ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इलेवेंथ क्वेश्चन है फोर डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिजिट, मैं इसे ले लेता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेक्स एरिया है, यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है आ जाएगा। एक मिनट, ये नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है वो आ चुका है। अभी हम इस नंबर का क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इस नंबर का आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अभी इसका हम आंसर ढूंढ लेंगे। तो पहले सबसे पहले आप आंसर ढूंढो, फिर मैं उसका करेक्ट आंसर दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो पॉज कर लीजिए। तो दोस्तों आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है, इसका आंसर इज 29,29,368 इज द आंसर। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हम 12 कर लेंगे। तो 12 में क्या है, 12 में है 5 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट। तो हम इसे भी लेके हम हमारे सैम्पल टेक्स्ट में पहले इंस्टॉल कर डाल देते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। और अभी इसका जो करेक्ट आंसर है आप पहले ढूंढो, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊँगा। वीडियो पॉज कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है 17,600 or 66,408, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे यहाँ पे 6 के 6 जो भी हमारे मल्टीप्लाई थे 1 से लेके 12 वो हमारे हो चुके हैं, हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने कर दिए थे। तो एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन, ईच ऑफ द 745 स्टूडेंट मेड 25 पेपर बैग्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड। तो 747 स्टूडेंट्स ने, एक बच्चे ने 25 पेपर बैग्स बनाए। तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, मैं बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो एक मिनट मैं आपको बताऊँगा इसे कैसे मल्टीप्लाई करना। आप ना बस सिर्फ एक बार देख लो, ये है नंबर, ठीक है, ये नंबर है यहाँ पे। तो पहला है 7, फिर 4, राइट, 7, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहले से रिजेस्ट कर लूँगा दोस्तों, एक मिनट हम इसे इरेज कर लेंगे, क्योंकि ये जो सम है ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपका पूरा जो, अगर आप ये सम खुद कर सकते हो तो तभी समझ में आ जाएगा कि आप जो है सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये हम सम लिख लेते हैं, 7, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है दोस्तों, 25, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, अबे लाइन खींच दी हमने, अभी इसके नीचे आंसर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, थोड़ा छोटा यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 5 आ जाएगा, तो इसका 2 हम इसके ऊपर ले लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो ये इसके ऊपर हम 20, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 2 है वो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 25 से लेके 7 तक, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 30, 35, और 35 में अगर हम 7, 2 मिला दें तो डैट विल बिकम 37, ठीक है दोस्तों। ये 37 बन गया, अभी ये हो चुका है हमारा अब तक का नंबर 3725। अभी इसे हम 2 से भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसका मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसका आंसर क्या था, ये था ये। तो अभी इसका नेक्स्ट आंसर, तो अगर मैं 7, 4, 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 1, एक मिनट ये मैं यहाँ पे 1 ड्रॉ कर लेता हूँ, 1,490। तो अभी मैं अगर इन दोनों को प्लस कर लूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, एक मिनट मैं पहले ये जो नंबर है इसे इंक्रीज कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, और तो इसे हटा लूँगा मैं दोस्तों सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये जो नंबर अभी निकला है हमारा, हमारा नंबर क्या निकला है दोस्तों, तो हमारा नंबर निकला था, एक मिनट, हमारा ये नंबर निकला था राइट, 3725। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख दूँगा, 3725 टू बी एग्जैक्ट। तो ये जो नंबर है
इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो भी। हाँ, अब मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, इसे मैं करूँगा प्लस विथ माय न्यू नंबर 490, और इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 18625, इसका आंसर होगा 625 इज द करेक्ट आंसर। और आज का वीडियो में वो बाकी वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड।